ज्ञान वापी, वेल ऑफ नॉलेज। वापी संस्कृत का शब्द है जो जिसका अर्थ है कुआं या वेल, और ये ज्ञान का कुआं है। तो उसमें उस शिवलिंग को छुपा दिया गया था। औरंगजेब अगर चाहता तो पूरे मंदिर को ध्वंस करके एक भव्य मस्जिद वहाँ पे खड़ा कर सकता था। इसका भी आप देखिए कितना विकृत मानसिकता है कि सिर्फ वो मंदिर के गोपुरम जो है, शिखर है, उसको तोड़ के 3 गुंबद वहाँ बना दिए, पर जो पिछला भाग है वो मस्जिद का, वो पूरा आज भी मंदिर के अवशेष है। इसके पीछे क्या मानसिकता है कि सारे हिंदू रोज इसको देखते रहें और उनके मन आहत होते रहें, उनको इंसल्ट हो और वो रोज इतने दुखी हो कि हमारा सबसे जो श्रेष्ठ और सबसे पवित्र स्थान है उसको इस तरह से बर्बरता पूर्वक तोड़ा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता, इनको इतना गुस्सा आया जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया था, और तभी राजमाता जीजाबाई ने खुद अपने बेटे को बोला था कि इसका बदला तुमको लेना है। मुस्लिम समुदाय के लोग सब चीजें समझते हैं। जो वजू खाना में जाके रोज अपने गंदे पैर धोते थे, वहां कुल्ले करते थे, उनको भी अच्छी तरह से पता था कि वो शिवलिंग है। उसके बावजूद उस पे ऊपर एक ड्रिल करके उसको फवारा बोल के उसकी और जले पे नमक छिड़कने का काम किया है। जो फंडामेंटल टेनेट्स हैं वो यही है कि काफिरों का जो धर्म है उसको दबाया जाए, उसको इंसल्ट किया जाए। ये जब मानसिकता रहेगी तब सौहार्द और समझौता ये मुश्किल होगी। ये सही बात है कि प्रॉफिट मोहम्मद के मौत के बाद जो खलीफ की जो सेनाएं थी वो पूरे मध्य एशिया हो, अफ्रीका हो, पर्शिया, इन सबको 50 साल के अंदर इस्लामाइज कर लिया गया। पर अरब आक्रमण जो हुआ सिंध पे वो 8वीं शताब्दी में हुआ, 712 में। तो 712 के बाद पहला जो इस्लामिक सल्तनत भारत में बनना था उसको 500 साल लगे। तो 500 साल तक हमारे जो पूर्वज थे इनको धकेलते रहे। अरब आए, तुर्क आए, बहुत सारे लोग आते गए, पर इन सबको हम धकेलते ही गए। 500 साल कोई कम अवधि नहीं होती। तो इतने साल तक हमने रेजिस्टेंस दिया और हम विजयी भी हुए। इसीलिए वो अरब जो सिंध का छोटा हिस्सा है उसको छोड़ के भारत के अन्य हिस्से पे कब्जा नहीं कर पाए। तो बहुत सारे उस जमाने के जो ब्रेव हार्ट्स थे, ललितादित्य मुक्तापीड़ा कश्मीर के हों, या कन्नौज के यशोवर्मन, मेवाड़ के महाराणा बप्पा रावल, या फिर विक्रमादित्य चालुक्य राजा, या दंतीदुर्ग जो राष्ट्रकूट राजा थे, तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण के सारे जो राजा थे वो एक अलायंस भी बना के इनको ढकेलने में साथ करते गए। पर एक और चीज है कि हम जो है, और सावरकर जी इसको सद्गुण विकृति कहते हैं, हम हमेशा कोई भी युद्ध हो उसको धर्मशास्त्र में जो लिखा है उसके नियम से ही हम चलते हैं कि सूर्यास्त के बाद वार नहीं करेंगे, निहत्थों पे वार नहीं करेंगे, औरतों पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, इन सब पे वार नहीं करेंगे, और एक दूसरे के जो धर्म क्षेत्र हैं उसको हम ध्वंस नहीं करेंगे। पर ये एक ऐसे लोग थे जो अनसिविलाइज्ड, बारबेरिक, डेजर्ट कल्ट, तो ये आए और इनको ये सारे रूल्स का कोई ज्ञान नहीं था, ये फॉलो नहीं कर रहे थे। जब अपना शत्रु रूल को फॉलो नहीं करता तो हमें भी उसी के रूल, वो जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में हमको बोलना चाहिए था। शत्रु बोध जो है हम समझ नहीं पाए। छात्र स्पिरिट जो है उसकी कोई कमी नहीं थी, पर साथ साथ शत्रु बोध बहुत ही जरूरी था। पहले 2 बार काशी पे आक्रमण हुए। नियालतगिन जो मोहम्मद गजनी का ट्रेजरर था, उसने एक अटैक किया था काशी पे 11वीं शताब्दी में, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहे। फिर सालार मसूद भी आए पर वो भी मारे गए सुहेल देव बहरेज के युद्ध में। उनके एक जो सेनापति थे मोहम्मद अलावी, तो आज भी अलावीपुर जो काशी वाराणसी में है वो उन्हीं के नाम से एक्चुअली है, जो एक्चुअली आक्रांता थे वाराणसी को ढहने के लिए जो आए थे, उनके नाम से एक लोकेलिटी भी है वाराणसी में। पहला जो सबसे विध्वंसात्मक जो आक्रमण हुआ काशी पे वो 1194 में हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों, और हसन निजामी और उस समय के बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो लिखते हैं, और बहुत खुशी से लिखते हैं कि 1000 मंदिर वहां तोड़े गए, और जितना धन था उसको 300 हाथियों और
100 से भी ज्यादा ऊंटों पे लाद के काशी से सारा जो धन था वो ले जाया गया। एक के बाद एक आक्रांता आए, इसको ढहने की कोशिश की, पर कुछ ही वर्षों के बाद या एक दो वर्षों के बाद फिर से हिंदू वहाँ एक और मंदिर की पुनर्स्थापना करने में जुट गए। तो 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका ध्वंस किया, पर 1212 में हमें उल्लेख मिलता है, ऐतिहासिक उल्लेख, कि बंगाल, सुदूर बंगाल के जो विश्वरूप नाम के एक राजा थे वो काशी में आते हैं कितने 12 साल बाद, और एक स्तंभ वहां लगा देते हैं कि ये नगरी जो है ये विश्वेश्वर की नगरी है। तो उनको शायद उस वक्त या तो वो पावर नहीं था कि वहां पे एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि अभी तक दिल्ली सल्तनत का ही दबदबा वहां पे रहा, परंतु उसको ठीक करने के लिए और अपना जो विश्वेश्वर का अधिपत्य वहां स्थापित करने के लिए उन्होंने एक स्तंभ वहां निर्माण कर दिया, और वो बंगाल से आके उन्होंने वो किया। तो उसके बाद जैसे ही थोड़ा बहुत जो मुस्लिम रूल थोड़ा शांत होने लगा, हिंदुओं ने उस जगह में एक और मंदिर बनाने की कोशिश शुरू भी कर दी। गजनी और गौरी भी हमें लगता है कि वो बस आते गए और हम घुटने टेकते रहे, ये बिल्कुल गलत बात है। हर पड़ाव में उनका सामना हमने किया। जो हिंदू शाही जो राजा थे, जो आज के जो अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो पहले था, वहां पे जो हिंदू शाही राजा थे वो मोहम्मद गजनी को हमेशा परास्त करते ही आ रहे थे। जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, निडर भीमा, इन सबके नाम भी हमें याद ही नहीं है और पता भी नहीं है। तो ये पर मोहम्मद गजनी 17 बार आए, उन्होंने सोमनाथ का ध्वंस किया, ये सब हमें पता है। रानी नाइकी देवी जो गुजरात की रानी थी चालुक्य वंश की, तो उन्होंने मोहम्मद घोरी को परास्त किया कासरहाड़ा के युद्ध में 1178 में। एक महिला होके उन्होंने किस तरह से शौर्य का प्रदर्शन किया और मोहम्मद घोरी को पछाड़ दिया। तो ये सारी चीजें हमें बताई नहीं जाता, हमें सिर्फ बोला जाता है कि किस तरह पृथ्वीराज चौहान हारे तरैन के युद्ध में, और फिर जयचंद हारे जो काशी में रहदवाल वंश के राजा थे, जयचंद उनकी परास्त कैसे हुई वहां पे युद्ध में, वो सारी चीजें हमें बताई जाती हैं। पर बहुत सारे युद्ध ऐसे भी थे जो हम जीते थे, इसी के बदौलत हम आज भी जिंदा हैं, तो वो सारे कहानियां हमें कभी नहीं बोला जाता अपने इतिहास। ये 16, 17वीं और 18वीं शताब्दी तक जो सारे जो गोसैन और दशनामी संप्रदाय के जो साधु थे, और ये नागा अलग अलग अखाड़ों के साधु, ये सारे जो उत्तर भारत में और बंगाल तक अपने धर्म की प्रतिरक्षा के लिए ये लोग हमेशा तत्पर ही रहते थे। और ये मुगलों के वक्त पे हो या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में भी, जो सन्यासी रिबेलियन जिस नाम से हम जानते हैं, पर वो उसका क्या डिटेल्स है वो इतिहास के पुस्तक हमें ठीक से बताते नहीं, पर वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम तक ये सन्यासी जो थे वो अस्त्र शस्त्र उठा के अपने धर्म की रक्षा के लिए वो तत्पर रहे ही थे। तो ये एक और बहुत रोचक बात है कि औरंगजेब अगर चाहता तो पूरे मंदिर को ध्वंस करके एक भव्य मस्जिद वहां पे खड़ा कर सकता था। इसका भी आप देखिए कितना विकृत मानसिकता है कि सिर्फ वो मंदिर के गोपुरम जो है, शिखर है, उसको तोड़ के 3 गुंबद वहां बना दिए, पर जो पिछला भाग है वो मस्जिद का वो पूरा आज भी मंदिर के अवशेष हैं। इसके पीछे क्या मानसिकता है कि काशी के सारे हिंदू रोज इसको देखते रहें और उनके मन आहत होते रहें, उनको इंसल्ट हो, और वो रोज ये देख के वो इतने दुखी हो कि हमारा सबसे जो श्रेष्ठ और सबसे पवित्र स्थान है उसको इस तरह से बर्बरतापूर्वक तोड़ा गया है। तो ये बात लोगों के मन में हमेशा बना रहे, इसीलिए उसको पूरे तरह से ध्वंस न करते हुए उसके अवशेष ऐसे ही रखे गए। तो उसमें बहुत सारे कहानियां बनते हैं कि वो ज्योतिर्लिंग जो था वो सुरक्षित रखा गया, जो पंडित थे उनको पता चल गया था कि औरंगजेब की सेना आ रही है, तो वो लिंग को ले जाके ज्ञानवापी जो कुआं है, जो पुराणों में उसका उल्लेख है कि वो शिव ने ही इसको अपने त्रिशूल से खोदा था और वहां से एक फवारे के रूप में पानी प्रकट हुआ, और ये ज्ञानवापी, वेल ऑफ नॉलेज, वापी संस्कृत का शब्द है जो जिसका अर्थ है कुआं या वेल, और ये ज्ञान का कुआं है, तो उसमें उस शिवलिंग को छुपा दिया गया था।
और बाद में जैसे ही औरंगजेब का अत्याचार थोड़ा कम होता गया और वो कहीं और व्यस्त हो गया, उसके बाद वो शिवलिंग को वापस ले जाके छोटे से जगह पे जहां किसी को पता न चले वहां पे उसको पुनर्स्थापित किया, वो मस्जिद के बिल्कुल सटक के। तो आप देखें वो पहला जो स्थान था रजिया मस्जिद जहां बना, उससे थोड़ा डिस्टेंस में एक और मंदिर बना, उसको तोड़ा गया। उसके बगल में ही नारायण भट्ट ने बनाया, उसको तोड़ा गया। तो उसके बगल में एक और मंदिर बना, वो बहुत छोटा था ताकि लोगों को पता न चले कि यहाँ पूजा हो रही है। और बहुत सारे ऐतिहासिक उल्लेख मिलते हैं कि राजपूत राजा जो थे, रेवा के महाराजा हों या उदयपुर के राणा हों, ये सारे लोग छुप छुप के आके वहाँ पूजा करते ही रहे। और इसी समय में मराठों का जो है परचम फैलना शुरू हुआ था, और इसके बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य भी मिलते हैं कि किस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई, इनको इतना गुस्सा आया जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया था, और तभी राजमाता जीजाबाई ने खुद अपने बेटे को बोला था कि इसका बदला तुमको लेना है और काशी विश्वेश्वर को पुनर्स्थापित करना है। तो तब से लेके पूरा जो पेशवा समय था, मराठे इस जगह को भूले ही नहीं, बार बार वो हर कोशिश करते रहे। और ये मराठा पेशवा दफ्तर के जो दस्तावेज हैं, जो उनके पत्र हैं, उसमें ये उल्लेख बार बार मिलता है कि काशी हो, प्रयाग हो, अयोध्या, गया, ये सारे हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, इसको किसी तरह वापस लिया जाए। तो वो हमेशा ये कोशिश करते ही रहे, मुगलों के साथ वो नेगोशिएशन करते गए। इनफैक्ट मैसूर युद्ध में भी जब नाना फडणवीस कॉर्नवालिस के साथ नेगोशिएशन करते हैं, आप तीसरे मैसूर युद्ध में, नेगोशिएशन के टर्म्स में एक ये भी चीज है कि हम आपकी सहायता तब करेंगे अगर आप हमें काशी विश्वेश्वर का मंदिर लिबरेट करने की अनुमति दे। 1780 में जब महारानी अहिल्याबाई होलकर इंदौर में शासन कर रही थी, उन्होंने तब तक बहुत सारे अन्य मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था, सोमनाथ हो, सारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हो, चार धाम हो, सात पुरी हो, पूरे उत्तर दक्षिण सबको एक धार्मिक सूत्र में उन्होंने बांध दिया था। इसीलिए उनको एक देवी के रूप में और पुण्य श्लोक और माता के रूप में उनकी आज भी इंदौर में और कई सारी जगहों में उनकी पूजा होती है। आज जो हम विश्वनाथ मंदिर जहां जाके पूजा करते हैं वो अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया गया। और उसके थोड़े दशक बाद हम देखते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह ने उसके गुंबद पे जो सोना चढ़ाना था वो उन्होंने किया। और आज जो बोलते हैं सिख और हिंदू अलग हैं और वो एक अलग राष्ट्र है, खालिस्तान है, वो ऐसे लोगों को ये एक बहुत बड़ा एक प्रत्युत्तर है कि आपके सबसे महान जो पंजाब के शासक थे उन्होंने काशी विश्वनाथ के लिए इतना योगदान दिया, स्वर्ण मंडित किया। और एक और चीज ये भी है, जब वो अहमद शाह दुरानी को हराते हैं रंजीत सिंह, तब ये भी मांग करते हैं कि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ का जो द्वार वहां पे रखा था वो मुझे लौटा दो। तो पंजाब में बैठा हुआ एक युवक राजा, उसको ये ज्ञान है कि ऑलमोस्ट 800 साल पहले जो मंदिर ध्वंस हुआ वो हमारे लिए वापस चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह ये मेमोरी जो था, ये कॉन्शियसनेस जो था, ये हमेशा बना रहा। मंदिर चाहे ढहे गए, चाहे ध्वंस किए गए, तो पर हमें वो वापस चाहिए, ये जो एक जज्बा है वो हमसे गया ही नहीं।